हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटेल डिजिटल ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा कमाल का इंटरेस्टिंग सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ ना, जिसकी मदद से अगर आपको मोबाइल आपके पीछे कोई भी छूने की कोशिश करेगा या टच करने की कोशिश करेगा ना, तो आपका मोबाइल चुपके से उसकी फोटो खींच लेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मेरे मोबाइल से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अगर आपका मोबाइल कहीं चार्ज में लगा हुआ है या आपका मोबाइल कहीं रखा हुआ, अगर आपके पीछे आपके मोबाइल का कोई भी लॉक खोलने की कोशिश करेगा या आपके मोबाइल को टच करने की कोशिश करेगा, तो आपका मोबाइल उसके चुपके से उसकी फोटो खींच लेगा और आपको बता देगा कि इस बंदे ने मेरे को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आपका फोन खुद आपको बताएगा। तो अगर आप उस खास सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो ना, तो मेरे साथ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल बटन को दबा के यहां से सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों एक घंटा आएगा, तो इस घंटे को जरूर दबा लेना। घंटे दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो यहां से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उस खास सीक्रेट ट्रिक के करने के लिए दोस्तों आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करेंगे आप इसको यहां पे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पे दोस्तों कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। सिंपली दोस्तों, अब आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे कुछ परमिशन दे देनी है इस ऐप की। अब आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं आपकी फोटो यह ऐप कैसे खींचेगा अगर आपके मोबाइल कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पे इसको मिनिमाइज कर देता, हटा देता हूं। जैसे आप अपने मोबाइल को यहां पे लॉक कर देते हो, अपने मोबाइल की स्क्रीन को यानी वो कर देते हो, ऑफ कर देते हो, जब भी आपके मोबाइल के पीछे आपका कोई लॉक खोलने की कोशिश करेगा, गलत पासवर्ड डालेगा, तो आपका मोबाइल उसकी चुपके से फोटो खींच लेगा। जो आपका यहाँ पे कैमरा, ये वाला कैमरा आपका चुपके से फोटो उसकी खींच लो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे इस मोबाइल ने फोटो भी खींच लिया और मैं पकड़ा भी जाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपना यहाँ पे सही पैटर्न डालता हूं। मैंने यहाँ पे दो बार पैटर्न यानी गलत डाला तो दो फोटो मेरी खींच ली होगी, कैप्चर कर ली होगी उस ऐप ने। चलिए दोस्तों, मैं उस ऐप को यहाँ पे ओपन करता हूं। इस ऐप को यहाँ पे मैं ओपन करता हूं। इस ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मेरी दो फोटो खींच लिया है। यहाँ पे 2:31 हो रहा, 2:30 में मेरी फोटो खींची गई है। और आपको यहाँ पे टाइमिंग दे रखा होगा कि आज की यानी टाइमिंग है, और यानी 2:30 में आपके मोबाइल को किसी ने लॉक खोलने की कोशिश की है इस बंदे ने, और आपकी उसकी फोटो दे रही है। यहाँ पे दोस्तों मेरे लाइट जल रही है कैमरे की, तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा। तो आप दोस्तों ऐसे अपने मोबाइल पे ऐसे यानी ऐप इंस्टॉल करके रख लो, जब भी आपके मोबाइल के पीछे कोई आपके मोबाइल की स्क्रीन को लॉक खोलने की कोशिश करे तो आपका मोबाइल चुपके से उसकी फोटो खींच लेगा और आप उसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो। सिंपली दोस्तों आपको कुछ सेटिंग बदल, सेटिंग में जाना, 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद तो अब आपको यहां पे क्या करना है, जैसे नंबर ऑफ अनलॉक टू अटेम्प्ट, अगर आपका कोई एक बार यानी गलत पासवर्ड डाले तो उसकी फोटो खींच ले। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे बार में उसकी फोटो खींचे, तीसरी बार में, तो यहां दोस्तों मैंने एक ही बार में डाल कि एक बार में जैसे गलत पासवर्ड डालेगा तो मेरा मोबाइल ये वाला कैमरा उसकी चुपके से फोटो खींच ले। अगर आप चाहते हैं कि एक बार गलत डाल दी फिर दूसरी बार जैसे गलत डाले तो उसकी फोटो खींच ले, तो सिंपली आपको दो अटेम्प्ट में क्लिक कर देना। आप यहां पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो कमाल का इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन दोस्तों। अगर आपको एप्लीकेशन पसंद आए तो कमेंट में नाइस कैमरा लिखना, कमेंट में क्या लिखना, नाइस कैमरा, ताकि मेरे को पता चल जाए एप्लीकेशन आपको पसंद आया। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका।